उत्तर भारत में बढ़ती सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ती ठंड दिल के मरीजों पर भारी पड़ रही है। ठंड के चलते बुजुर्ग ही नहीं युवाओं का दिल भी दगा दे रहा है। ऐसे में कानपुर में कार्डियोलॉजी में स्थिति बेकाबू हो रही है। यहां सामान्य दिनों की अपेक्षा दोगुने मरीज इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। सामान्य दिनों में जहां ओपीडी में 500 से 600 मरीज देखे जाते हैं, यह आंकड़ा अब 1000 को पार कर रहा है। वहीं रोजाना 30 से 40 मरीज भर्ती हो रहे हैं। हार्ट अटैक की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है। 24 घंटे डॉक्टरों की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है। कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर विनय कृष्णा जी मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है बीमारों में? इस समय सर्दी अचानक बढ़ने के कारण काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जिनको कि एंजाइना प्रेसिपिटेट हो रहा है। कुछ पेशेंट जो ब्लड प्रेशर के होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर जो दवाओं से कंट्रोल चल रहा था, इस समय वो हाई हो गया है, अनकंट्रोल हो रहा है। उसके अलावा सांस के भी मरीजों की संख्या बढ़ रही। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्योंकि प्रदूषण के साथ साथ ठंडी हवाओं ने प्रदूषण को और ज्यादा बढ़ा दिया है और प्रदूषण का सांस की भी तकलीफें बढ़ रही है। कार्डियोलॉजी की अगर बात की जाए तो सामान्य दिनों में यहाँ पर ओपीडी में कितने मरीज आते हैं और फिलहाल कितने लोग पहुँच रहे हैं? सामान्य दिनों में हमारे यहाँ ओपीडी में 500-600 मरीज आ रहे थे और इस समय वो संख्या 800 से लेकर 1000 तक पहुंच गई है। तो ये बहुत अकल्पनीय वृद्धि हुई है इस सर्दी के दिनों में। हार्ट अटैक को लेकर के क्या स्थिति बनी हुई है? क्या हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं? हार्ट अटैक के भी केसेस बढ़ गए हैं। जहां एक और पहले 10-12 केसेस आते थे एक दिन में हार्ट अटैक के, आजकल हार्ट अटैक के केसेस 20-25 तक आने लग गए हैं और ख़ासतौर से रात में काफ़ी केसेस प्रकार के आते हैं। इसीलिए हमने अपने संस्थान में 24 घंटे जो इमरजेंसी चलती थी उसकी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए इस समय हमने कंट्रोल रूम बना के उसमें ट्रायल रन शुरू किया है कंट्रोल रूम का, जहाँ के हमारे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के डॉक्टर्स रहते हैं जो मरीजों की जो भी समस्याएं होती हैं उसका तात्कालिक समाधान निकलवाने के लिए तत्पर रहते हैं। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।